तो एज यू कैन सी गाइस, ये सॉन्ग आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। ठीक, इसका कॉलर ट्यून गाइस मैं काफी टाइम से अवेलेबल कर चुका हूँ, लेकिन गाइस मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं कम से कम एक से डेढ़ महीने बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये जो भी लोग ने मुझे कमेंट किया था अपने सॉन्ग को अवेलेबल कराने के लिए, या जो भी कमेंट किए थे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे, तो वो सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो लेट गेट स्टार्ट दी वीडियो। तो वही सिंपल से माई जियो एप्लीकेशन आने के बाद यहाँ पर जियो ट्यून्स पर आपको टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च जियो ट्यून्स पर आ जाना। तो हमारा जो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में जो आप लोग सॉन्ग सुने, तो उसी में का एक सॉन्ग है जिसका नाम है मेरा दिल ये पुकारे आ जा। तो बेसिकली जिस तरह यहाँ पर आप लोग सर्च करो, तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सॉन्ग फाइनली अवेलेबल हो चुका है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट पहले प्ले करके सुनाता हूँ, तब जाके आप लोग को मजा आने वाला है। तो गाइस इसका मैंने रिमिक्स कॉलर ट्यून अवेलेबल कराया, काफी ज्यादा मेहनत लगा था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से आप लोग सेट कर सकते हो। मुझे पता है कि ये बहुत पहले से अवेलेबल हो चुका है क्योंकि मैं वीडियोस लेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते गाइस हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस निकल कर आता है यहाँ पे, याद तेरी आई। तो बेसिकली जिस तरह यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे याद तेरी आई, तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और ये सुमित गोस्वामी का कॉलर ट्यून है। एंड इसका इनका कॉलर ट्यून गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना दे रहा हूँ। याद तेरी आई पैग पड़े ठाणे हे। तो आई होप गाइस कि ये वाली भी कॉलर ट्यून आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर वीडियो का लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लेना, बिकॉज आपको पता है कि इस तरह के वीडियोस चैनल पे आते रहता है। तो बढ़ते गाइस हम अपने एक रोमांटिक कॉलर ट्यून की तरफ, और ये कॉलर ट्यून गाइस निकल कर आता है चांद सिफारिश, जो कि मेरा ब्रदर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है, और वो शुरू से ही इस कॉलर ट्यून को लगा के रखते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना दे रहा हूँ। तो इस यहाँ पर मैं आप लोग को एक इंग्लिश सॉन्ग सुना देना चाहता हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसका नाम है गाइज होप, और ये XXXTentacion का कॉलर ट्यून है। एंड ये मेरा इंग्लिश रैपर का सबसे ज़्यादा फेवरेट रैपर है, और हिंदी में एमिओ बंटा है। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ, अगर आपको बेस्ट लगे तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस कॉलर ट्यून। तो आई होप गाइस कि ये वाली कॉलर ट्यून आप लोग को पसंद आई होगी। तो गाइस अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, कि होम सिक का कॉलर ट्यून है गाइस, लिटरली बहुत ही मतलब कितना तारीफ करो उतना कम है। वैसे मैं आप लोग को प्ले करके सुना देता हूँ, एंड आप लोग इसको लिटरली आज सेट करने वाले हो। तो आप लोग ने सुना गाइस, एंड लिटरली आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो को लाइक कर लेना। एंड सेट करना बहुत सिंपल है, सेट एज यू ट्यून करना है, एंड बूम आपका कॉलर ट्यून सेट हो चुका है मेरे नंबर पे। ठीक है, तो देख सकते हो, तो इस तरीके से गाइज आप लोग सेट कर लेना। तो अब बढ़ते गाइज मैं अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नेक्स्ट कॉलर ट्यून बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि लोग ने मुझे बहुत ही परेशान किया तो फॉलन स्टार कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए, एंड ये अवेलेबल नहीं था तो फाइनली अवेलेबल करा दिया। तो अब आप लोग इसको सेट करते हो। अब चलते गाइज यहाँ पर MC Stan का एक टाइप बीट है, जो कि सॉन्ग के लिए बहुत ही बात हो रहा है, बट ये अवेलेबल नहीं हो सकता बिकॉज इनका सारा सॉन्ग जो होता है प्रीमियम होता है, तो अवेलेबल कराना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकेगा तो इनका जो स्नैक कॉलर ट्यून है, फिर से इनका एक दिन प्यार वाला, ये दो कॉलर ट्यून बहुत जल्द हमारे चैनल पर आप लोगों को शो करेगा। उससे पहले ये वाला कॉलर ट्यून आप लोगों को प्ले करके सुना देता हूँ। तो आई होप गाइस कि ये वाली भी कॉलर ट्यून का बीट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर लेना। तो अब बढ़ते गाइस हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस निकल कर आता है हमारा जन्नत, जो कि पंजाबी सॉन्ग है, एंड आप लोग एक बार इसको जरूर सुनना, और बहुत ही फाट कॉलर ट्यून है, तो आप लोग सुनकर देखो। तो आई होप गाइस कि ये वाली भी कॉलर ट्यून आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो बढ़ते हम अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस सिंपल सा आप लोगों को फिर से लिख देना आज कल वे, एंड ये वाला भी कॉलर ट्यून एक रोमांटिक टाइप का है, जो कि पर्सनली मैं आज से 3 दिन पहले इसको सेट करके रखा था, बहुत ही मुझे नेक्स्ट लेवल का लग रहा था। और ये सिद्धू मूसेवाला का एक एल्बम बीट है, तो इनका सॉन्ग तो आपको पता है कि सारा वायरल जाता है ये, लेकिन रोमांटिक टाइप का, तो आप लोग एक बार सुन कर देखो। तो गाइज अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइज निकल कर आता है यहाँ पर, ये वाला भी कॉलर ट्यून आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये थोड़ा सा पुराना कॉलर ट्यून है, तो सिंपल सा गाइज आप लोगों को लिखना है डांस लाइक, और ये हार्दिक संधु का है, जो कि बैकबोन सॉन्ग ये भी यही गाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। तो उससे पहले ये वाला भी एक बार प्ले करके सुनाता हूँ, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। ये तुम
तो आई होप गाइस कि ये वाली भी कॉलर ट्यून आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर लेना है, 1000 लाइक का टारगेट है, तो फटाफट से कंप्लीट हो जाए कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँ। तो अब गाइस यहाँ पर हमारा कॉलर ट्यून निकल कर आता है किंगडम, और सिंपल से गाइस जिस तरह आप लोग यहाँ पर किंगडम लिखते हो तो एज यू कैन सी ये बोहिमिया का सॉन्ग है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बोहिमिया का सारा सॉन्ग जो होता है वो वायरल रहता है एंड काफ़ी पॉपुलर सिंगर है। तो इसका भी एक छोटा सब पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ, अगर आपको बेस्ट लगे तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस हमारा निकल कर आता है यहाँ पर नीरा इश्क, जो कि बहुत ही मेरा पसंद आता है मुझे। अगर आप लोग पंजाबी सॉन्ग सुनते हो गाइस तो ये वाला तो आपका फेवरेट होने वाला है, तो सुनकर देखो। गुच्ची पाई मैंने नहीं रख दी, गल ना कदे करे मेरे हक दी मेरे। तो आई होप गाइस कि ये वाली भी कॉलर ट्यून आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते गाइस हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, जो कि आप लोग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डीएम कर करके परेशान कर देते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियो यूट्यूब वीडियो के नीचे। तो सिंपल से आप लोग को लिखना है वही की लिखा एंड यहाँ पर जिसी तरह लिखते हो गाइस यहाँ पर, तो ये वाला सॉन्ग आपका आ जाएगा। एंड इसके लिए तो आप लोग ने मुझे परेशान कर दिया था, काका का सॉन्ग है एंड मैं भी काफ़ी दिन से इस सॉन्ग को सुन रहा हूँ, 3-4 दिन से, तो सोच रहा हूँ तो अवेलेबल करा ही देते। तो फाइनली अवेलेबल हो चुका है, अगर आपको ये बेस्ट लगे तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते। तो बढ़ते गए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। और नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है गाइज तो लाइक कर लेना, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर लेना। उससे पहले अगर आप लोग को कोई भी कॉलर ट्यून कोई भी सॉन्ग से रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा होगा। तो डेफिनेटली आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आप लोग को सॉल्व 100% कर दूंगा। बढ़ते गए हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइज निकल कर आता है निकम्मा, तो सिंपल से गाइज जिसी तरह लिखते हो निकम्मा, तो ये वाला सॉन्ग थोड़ा सा एल्बम टाइप का है, ठीक है, पार्टी टाइप का। तो प्ले करके अगर आपको ये बेटर लगे तो आप इसको सेट कर लेना, वरना इसको स्किप करके नेक्स्ट वाला लगा सकते हो जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली नजर में ही मैं हिल गया, ढूंढा था जिसको मुझे। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ और नेक्स्ट और लास्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और ये भी काका का सॉन्ग है एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे परेशान कर रहे थे, जो कि ये बहुत पुराना सॉन्ग तो नहीं है, हम मीडियम सॉन्ग है, बट ये बहुत पहले से अवेलेबल है, लेकिन लोगों को स्पेलिंग सर्च करने नहीं आ रहा, पता नहीं मिल नहीं रहा है। तो सिंपल सा गाइस आप लोगों को लिखना आशिक पुराना, जो कि आशिक पुराना जिसी तरह लिखते हो तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोगों को शो कर देगा। और ये भी सॉन्ग गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको सेट कर सकते हो। वैसे मैं एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ। क्यों पढ़ाना तेरा उही आनी मैं, तेरे लिए जो सुरमा ले आया थी कदे, मैनू पता। तो आई होप गाइस कि हमारी ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके